ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਿਮਿਤ ਭੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ
हूँ अगला सफर राजनीतिक लड़ाइया सारिया पोलिटिकल पार्टियां दी चलदियां रहनियां ते चलदियां रहियां खत्म नहीं हो सकती। पंजाब दे विच अमन शांति पंजाब दे विच सैकुलरिज्म पंजाब दे विच हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक भाईचारा वो एक साढ़े लिए बड़ी वड्डी मिसाल है। और जो पंजाब दे विच उन्होंने अमन शांति का काम किया सबनों कट्ठिया करके रखे अपने समाज तो भी गल्लां सुनिया अज भी लोग नहीं हटते पर उन्होंने अपना जिहड़ा एक मिशन सी कि मैं पंजाब का एक जिम्मेदार व्यक्ति हाँ मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर मैं पंजाब की अमन शांति लई मैं सबनों नाल लैके चलना ये उन्होंने विचार सी। वो एक राजनीति दे संत सी सानू उन्होंने बहुत कुछ सीखना चाहिए जिस तरह पंजाब का माहौल कई बार बदलता रहिंदा सानू उन्हां तों सीखना चाहिए कि हरिमंदर साहब साडा पवित्र स्थान जिते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चार दरवाजे से नमस्तक करता है साडा सारिआं दा इहदी अमन शांति रखना यह साडा सारिआं दा फर्ज बनता सानू उन्हां तों प्रेरणा लैणी। मेरा कभी इन्ना मेल नहीं होया पर हाँ जिंदगी दे विच एक बार मैं उन्होंने फोन किया फोन करना नहीं चाहता सी पर मेरे दोस्तों ने फोन मिलाता लाइन देती इतने उन्होंने सैकटरी ने हरपाल सिंह जी जो मेरा ना याद नहीं पूरा तो उन्होंने फोन नाल ही अंदर मिला दिता उन्होंने मैनू अगों यह गल कही जबकि मैं उम्र च बहुत छोटा उन्होंने सामने कुछ भी नहीं कहता सरदार जी हुक्म करो मैं क्या जी आह गल है कहता जी तुम टैलीफोन रखो तो फलाना अफसर थोड़े घर आ मैं क्या जो मंत्री सी और सा तो को आया नहीं तो वह अफसर का फोन रखे पाँच मिनट च बड़े सीनियर अफसर का फोन आ गया कहता जी मैं घर आना चाहना मैं क्या जी तुम मेरे घर ना आओ चंगा नहीं लगता क्यों कहते फिर पंजाब भवन असी चीफ मिनिस्टर सूट च मिलते हैं उत्थे गया मैं कागज़ अगे रखिया कहता जी कागज़ साइड पर करो तो कम तुहाडा हो गया ये मेरी जिंदगी दी इक्को वारी मेरी टैलीफोन से उन्होंने गल हुई है ना मैं उन्होंने कभी मिलिया सी बस उन्होंने फॉलो जरूर करता सी भी साड़ी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की भाईचारे का संदेश एक कट्ठे रखना यह उन्होंने एक प्रेरणा उन्होंने जरूर मैं याद करता सी मेरी जिंदगी दी नहीं गल है भी हुण वक्त बदल गया सोच बदल गई जिहड़े पॉलिटिशियन पहले सी ना हुण हैगे ना वो अगे रहने ने जो मेरा अनुभव कहता मैं तो राजनीति तो इन्हां गल्लां तो दूर हो गया मैं तो बड़ा कुछ जिंदगी मिलिया मैं तो सरदार बेअंत सिंह जी डैथ तो बाद चीफ मिनिस्ट्री मिली मैं वो छड़ती असी इन्हां तो दूर है इस करके दूर हाँ अगे ना राजनीति यहोजी होनी है तो ना मैनू लगता हो सकती पर जे चंगे लोग हो सानू उन्हां तों प्रेरणा रखनी चाहिए असी सारे भाईचारे सारे कट्ठे नू लैके चलिए।